सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में लोग बात करेंगे ब्रेकिंग बैड के हिंदी डब के बारे में। एंड ये वीडियो बनाने का मेन रीजन है बिकॉज जो मनी हाइस्ट का वीडियो था, डार्क का वीडियो था, उस पर मेरे को काफी सारे भर भर के कमेंट आए थे कि भाई ब्रेकिंग बैड एंड पीकी ब्लाइंडर्स के हिंदी डब का कुछ अपडेट बताओ एंड उस पर वीडियो कवर करो। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर सपोर्ट। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, जो ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज है वो 2008 में आई थी एंड 2013 में खत्म हो गई थी। बट अगर ये वेब सीरीज इस टाइम पे रिलीज होती लाइक 2017 के आसपास रिलीज होती तो आई थिंक ये वेब सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिलती, बिकॉज जिस लेवल की ये वेब सीरीज थी आई थिंक इसका हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु इन सारी लैंग्वेज में भी आना बनता था। सो ये जो वेब सीरीज है ये क्राइम ड्रामा कैटेगरी की वेब सीरीज है एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 9.5 की। तो आप समझ सकते हो किस लेवल की वेब सीरीज होगी ये। एंड इस वेब सीरीज की डिमांड जो बढ़ी थी हिंदी में वो इस वजह से बढ़ी थी बिकॉज नेटफ्लिक्स भी काफी सारी टीज करता था लाइक ब्रेकिंग बैड के ऊपर। एंड उसके बाद फिर भाई जो ऑडियंस थी जो नेटफ्लिक्स के ऊपर लाइक ट्रैफिक बढ़ा था इस बार लॉकडाउन में, उसके बाद फिर ब्रेकिंग बैड के ऊपर काफी सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाए थे एंड रिव्यूज भी आए थे। उसके बाद भाई लोग इस वेब सीरीज को देखे हैं एंड जिन लोगों ने भी इस वेब सीरीज को देखा है उन्होंने बोला भाई क्या धमाका वेब सीरीज थी। इस वजह से इस वेब सीरीज की जो पॉपुलैरिटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, खासतौर से इंडिया में हिंदी ऑडियंस के बीच में। एंड उसके बाद फिर भाई इस वेब सीरीज की हिंदी डिमांड बढ़ी थी, बट वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि इस वेब सीरीज को हिंदी डब कर दिया जाए। बट अभी रिसेंट टाइम में नेटफ्लिक्स अपनी काफी ज्यादा पॉपुलर वेब सीरीज को हिंदी डब कर रहा था एंड उसमें लाइक मनी हाइस्ट हिंदी डब हो गई थी एंड डार्क की बात चल रही थी एंड अभी तक उसका कंफर्मेशन भी आ गया है। तो जैसे ही डार्क वेब सीरीज हिंदी में आ जाती है देन उसके बाद क्या पता ये वेब सीरीज भी आपको हिंदी में देखने को मिले, बट अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो ये सब आप लोग पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो देखो यार, मनी हाइस्ट को हिंदी डब किया गया था बिकॉज ऑडियंस की काफी ज्यादा डिमांड थी। डार्क वेब सीरीज को भी हिंदी डब की बात चली थी बिकॉज ऑडियंस की काफी ज्यादा डिमांड थी। सो अगर इस वेब सीरीज की भी काफी ज्यादा ऑडियंस होगी हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, देन नेटफ्लिक्स इंडिया को कोई भी लाइक दिक्कत नहीं होगी इस वेब सीरीज को हिंदी डब करने में, बिकॉज वो लोग लाइक कोई हायर डबिंग आर्टिस्ट को नहीं लेते हैं इन सारी वेब सीरीज को हिंदी डब करने के लिए, बिकॉज वो लोग इन सारी वेब सीरीज को डब करने के लिए नॉर्मल डबिंग आर्टिस्ट रखते हैं। तो जिसमें आपको एकदम हाई प्रोफाइल तो डबिंग नहीं देखने को मिलती है, बट डिसेंट सी डबिंग देखने को मिल जाती है जो कि अनऑफिशियल से अच्छी होती है, बट जो एकदम असली वाली डबिंग होती है उससे थोड़ा सा लाइक कम होती है बट लाइक अच्छी होती है। तो अगर आपको इस वेब सीरीज को भी हिंदी में देखना है देन जो ऑडियंस है, जो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो या जो लोग भी वीडियो नहीं देख रहे बट इस वेब सीरीज को हिंदी में देखना चाहते हैं, उन लोगों को सिर्फ नेटफ्लिक्स इंडिया के पेज पर जाना है, नेटफ्लिक्स ऑफिशियल पे मत चले जाना जो कि इंटरनेशनल वाला है क्योंकि वहां पे कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेटफ्लिक्स इंडिया के पेज पर जाना है देन आपको अपनी बात रखनी है कमेंट सेक्शन में बिकॉज काफी सारे पोस्ट वो लोग डालते रहते हैं एंड वो लोग अपनी ऑडियंस की बात सुनते हैं। तो अगर सर्टेन अमाउंट में एक अमाउंट में ऑडियंस जाती है, अपने कमेंट्स लिखती है लाइक स्पैम करती है कि उनको ये वेब सीरीज हिंदी में चाहिए, देन डेफिनेटली आपको ये वेब सीरीज हिंदी में देखने को मिल जाएगी फ्यूचर में। एंड जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं आप लोग को बता दूंगा बिकॉज अभी तक ऑफिशियल कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ अभी तक र्यूमर्स निकल कर आए हैं। सो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फ्यूचर में मैं और भी कई सारी वेब सीरीज के ऊपर वीडियो कवर करूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।